हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई भाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बनाते हैं गणपति पूजा के लिए मोदक। तो ये हमारी पूजा की थाली के लिए तो है ही, साथ साथ हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसी और भी मेरी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में एक घंटी का निशान है उसे टच कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है छुहारा मोदक बनाने के लिए, जिसे मैंने दूध में भिगो करके 4 घंटे के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इसे पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा दूध और थोड़ा मलाई के साथ इसे भिगो दिया है, इतना कि ये इसमें डूब जाए, आप देख सकते हैं। तो इसे हम करते हैं साइड। और अब मैंने लिया है थोड़ा सा मखाना, थोड़ा सा खसखस पॉपी सीड और ये मगज बीज। तो इन्हें हम चलिए पहले रोस्ट कर लेते हैं। छुहारे को मैंने इस तरह तोड़ दिया है और तोड़ करके इसका बीज इस तरह आप देख सकते हैं अलग कर लिया है, और तब इसे मैंने दूध में फूलने के लिए डाला है। तो आप भी इसी तरह तोड़कर छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। तो अब चलिए, अब मैंने रोस्ट करने के लिए पॉपी सीड और मखाना खसखस सबको बिना घी का, घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट लगेंगे हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करने में। तो ये भुन गया है, मैं इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देती हूँ, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा अखरोट और थोड़ा सा बादाम लिया है मैंने, छोटा सा एक नारियल का सूखा टुकड़ा लिया है। इन्हें मैं थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ और फिर मैं इन्हें भी पीस लेती हूँ, इनका भी एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारा छुहारा पीस चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह हमें पीसना है। और फिर हमारा मगज भी और खसखस भी पीस चुका है। तो अब मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी और इसमें मैं अपने छुहारे के पेस्ट को डाल लेती हूँ। और इन्हें हम थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा हम इन्हें भून लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे हम इन्हें। हमारा छुहारा भून गया है, थोड़ा खुशबू आ रही है भूनने की। तो अब हम डाल लेते हैं इसमें जो हमने मगज और खसखस को पीस करके रखा है, इसे मैं डाल लेती हूँ। और फिर मैं इसमें डाल लेती हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा और इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं साथ साथ। वैसे तो छुहारा मीठा होता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच इस स्टेज पे चीनी डाल रही हूँ। तो इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं। और आप इसे भूनते समय लो टू मीडियम पे रखें, नहीं तो ये जल जाएगा तो इसकी स्मेल ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे अच्छी तरह 1.5 से 2 मिनट के लिए और इन्हें भून लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं भून चुका है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपने अखरोट और ये बादाम वाले मिश्रण को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा शहद और शहद मिला करके मैं इन्हें इस तरह मिक्स कर लेती हूँ। इतना मिक्स करूँगी कि ये थोड़ा इस तरह बाइंड हो जाए। तो ये तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम कर लेते हैं साइड। तो मैंने अखरोट वाले मिश्रण के छोटी छोटी गोलियाँ बना लिया है। और अब मैं ले लेती हूँ अपने इस मिश्रण को जो कि ठंडा हो चुका है, इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और एक बार इन्हें हाथ से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह। तो हमारा ये मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने लिया है इस तरह का एक मोदक मोल्ड, बहुत अलग अलग तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मोदक मोल्ड करके मांगिएगा तो मिल जाता है किसी भी शॉप पे, या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ और इसमें हम डालते हैं अपने इस मिश्रण को। तो
हाफ में डालूंगी, इस साइड इस तरह, और फिर मैं डालूंगी यहाँ इस साइड, इसे भी हाफ डाल लेती हूँ और यहाँ बीच में हल्के से होल कर लेती हूँ। और यहाँ मैं अपने इस अखरोट के मिश्रण को डाल लेती हूँ और फिर मैं इन्हें इस तरह दबा लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा आपको है उसे आप निकाल लीजिए। इधर पीछे से भी हम इसको लेवल कर लेते हैं और इस तरह हम अपने मोल्ड को फिर खोल लेंगे। तो खोलने के लिए ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है हमारे मोदक का। तो इसी तरह हम अपने सारे मोदक को बना लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह बिना मोल्ड का भी बना सकते हैं। तो आप इसे इस तरह गोली कर लीजिए और ऐसा सिंपल आप इस तरह हाथों पे लेकर के मोदक का शेप बनाइए और फिर आप इस तरह फोक ले लीजिए। मैंने ये फ्रूट वाला लिया है, आप कोई भी सिंपल खाना खाने वाला है वो ले सकते हैं या फिर आप कोई टूथपिक वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए आप निशान बना सकते हैं इस पर, जिस तरह मोदक पे होता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह भी सिंपल, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह अपने सारे मोदक को तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस पर रोज़ पेटल्स लगा लिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके इम्यूनिटी बूस्ट के लिए और पूजा की थाली के लिए, दोनों के लिए रेसिपी तैयार है। तो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।